रिकॉर्डिंग स्टार्टेड राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक डायरेक्टरी ड्राइव में चले गए, जो भी ड्राइव में काम करना है वहाँ पे चले गए, मेक डायरेक्टरी वो डायरेक्टरी के अंदर चले गए राइट। उसके बाद हमने PIP3 इंस्टॉल वर्चुअल ENV किया। अभी वर्चुअल ENV क्रिएट करने के बाद, वर्चुअल आपको कोई भी टेक्नोलॉजी अभी नहीं आती है, सपोज मुझे कोई फ्रेमवर्क नहीं आता है, मुझे लारावेल नहीं आ रहा है, मुझे कोड इग्नाइटर नहीं आ रहा है, तो आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिमांडिंग फ्रेमवर्क है राइट, बहुत ही पॉपुलर अभी मार्केट में चल रहा है जेंगो का वर्चुअल ENV राइट। वर्चुअल ENV के बाद हम क्रिएट करेंगे माई ENV, मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ यहाँ पे, तो मैंने नाम दे दिया माई ENV ओके। तो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट अभी क्रिएट हो जाएगा, पाइथन में वो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, वर्चुअल ENV मेरा क्रिएट हो गया, यहाँ पे देखो एक्टिव, अभी मुझे वो एक्टिव करना है DIR, तो मेरा यहाँ पे वर्चुअल ENV आ गया एक ये फोल्डर के अंदर माई ENV राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, CD माई ENV उसके अंदर जाओ, CD उसके अंदर देखो कि क्या क्या है, DIR तो स्क्रिप्ट है, PIP VENV लिब वो सब है, तो हमें किस में जाना है, CD स्क्रिप्ट राइट। वो डायरेक्ट भी हम पास लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ कि कैसे करना है राइट। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे टूल्स आ गए राइट, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, एक्टिव करना है, क्या करना है यहाँ पे एक्टिव, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्टिवेट राइट। एक्टिवेट करेंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी ड्राइव है ना, उसकी जगह पे एनवायरमेंट में चले जाएंगे, तो एक्टिव में से हम कहाँ पे आ गए, एनवायरमेंट में आ गए, माय वर्चुअल एनवायरमेंट में। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, उसको थोड़ा बाहर निकल जाओ, मेन डायरेक्टरी पे आ जाओ राइट। यहाँ पे आप आ गए वापिस माई डी आई, अभी यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जेंगो इंस्टॉल करना है, PIP3 इंस्टॉल जेंगो। अभी जेंगो के कोई भी वर्जन यूज करना है, 2.1 लिखो, 3. लिखो यहाँ पे राइट। अब ऐसे भी कोई भी वर्जन इंस्टॉल करना है कि 1. लिखो, यहाँ पे आप लिख सकते हो राइट, आपको कौन सा वर्जन में काम करना है। जैसे कोई किसी कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी में जाते हो तो कंपनी में कोई ओल्ड वर्क होता है, तो ओल्ड वर्क में जेंगो ओल्ड होगा, तो आपको समझना रहेगा पहले तो जेंगो कौन सा है, तो वो एनवायरमेंट पहले इंस्टॉल जेंगो इंस्टॉल कर दो और आप सिस्टम में। अभी मैं कुछ नहीं लिखूंगा, तो लेटेस्ट वर्जन आपका इंस्टॉल हो जाएगा राइट। तो अभी लेटेस्ट वर्जन मेरा जेंगो का इंस्टॉल होना चाहिए, ये देखिए कलेक्टिंग हो रहा है, जेंगो लेटेस्ट इंस्टॉल हो रहा है राइट, इंस्टॉल कलेक्टिंग ये होना चाहिए, PYTZ SQL पार्सर ASGI ref और जेंगो, आपका जेंगो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया राइट। अभी जैसे सक्सेसफुली इंस्टॉल होता है राइट, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अभी आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट के स्टेप कौन से है, तो मैं आपको बताता हूँ प्रोजेक्ट कौन कौन से आप बना सकते हो। ये मेरा स्टेप हो गया राइट, क्रिएट योर ओन वर्चुअल एनवायरनमेंट, एक्टिव आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट कर लिया, यहाँ पे जेंगो 2.0 क्रिएट। अभी आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट के लिए Python-M जेंगो स्टार्ट प्रोजेक्ट माई वेब राइट, उसकी जगह पे आप दूसरा कोडिंग भी यूज कर सकते हो, जैसे पाइथन को यहाँ पे आप दूसरा कोडिंग जैसे कि जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट भी यूज कर सकते हो राइट, दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो। मैं ये Python-M जेंगो स्टार्ट प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे एक माई वेब करके फोल्डर बन जाना चाहिए एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली, उसके अंदर फाइल जो है उसकी जेंगो की फाइल वो आ जानी चाहिए, एंटर राइट। तो यहाँ पे नॉर्मली वापस DIR करते हैं, तो हमारा माई वेब आ गया राइट, माई वेब जेंगो इंस्टॉल करने के बाद जेंगो का ये कमांड हमने रन किया Python-M जेंगो स्टार्ट प्रोजेक्ट माई वेब, उसके अंदर माई वेब करके एक वेब फोल्डर आ गया। अभी हमें वो फोल्डर के अंदर जाना है माई वेब राइट, वो फोल्डर में चले गए, वो फोल्डर में क्या क्या है, तो वो फोल्डर में मेन इंपॉर्टेंट फाइल है हमारी मैनेज फाइल राइट। उसके बाद क्या है, CD माई वेब के अंदर, वापिस माई वेब के अंदर जाओ, वापिस DIR करो, तो उसके अंदर क्या है, हमारी
asgi.py, उसको कुछ करना नहीं है। setting.py ये वेरी इंपॉर्टेंट, url.py ये भी इंपॉर्टेंट फाइल है, राइट। तो ये मेन इंपॉर्टेंट फाइल हमें मिल गई, ओके। तो वापस जाओ, राइट, dir करो, यहाँ पे मैनेज, ये जो मैनेज फाइल है अभी हम क्या कर रहे हैं कि पाइथन, राइट, पाइथन 3 रन सर्वर, हमारा सर्वर डेंगो चालू हुआ कि नहीं हुआ वो देख लेते हैं। सर्वर रन सर्वर, ओके, दिस इज द कमांड। ये कोई भी प्रोजेक्ट रन करना है पाइथन का तो ये मेन इंपॉर्टेंट कमांड है, पाइथन 3। सबको दिखाई दे रहा है? हेलो रानी, पाइथन 3 रन सर्वर, पाइथन 3 रन सर्वर, उसके बीच में क्या लिखना है, मैनेज डॉट पी वाई, उसके बाद रन सर्वर, दिस इज द कमांड, राइट। पाइथन 3 मैनेज फाइल, मैनेज फाइल में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आगे जाएगा ही नहीं, राइट। मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, ये करने के बाद एंटर, राइट। हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में है, ओके, पाइथन 3 से चलाते हैं, राइट, ओके, हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। पाइथन 3 से भी रन होता है और पाइथन से भी रन होगा, राइट। लेकिन आप अभी पाइथन डायरेक्ट यूज करते हो, पाइथन 3 हमारा इंस्टॉल है, यानी पाइथन 3 नहीं लिखना है अभी, डायरेक्ट आप लिख सकते हो पाइथन 3। तो ये हमारा मेन यूआरएल बन गया है, ये यूआरएल को कॉपी करो, ब्राउजर में पेस्ट करो, हमारा लेटेस्ट जेंगो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, हमारा जेंगो सर्वर स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, एंटर, यस आवर सर्वर इज रनिंग, राइट। हमारा पहला जेंगो का प्रोजेक्ट, राइट, सक्सेसफुली रन हो गया है यहाँ पे। अभी ये एनवायरमेंट, ये इंटरफेस की जगह पे मेरा इंटरफेस लाना है, राइट। मुझे कोई हेलो एमसीए स्टूडेंट ऐसा कुछ लिखना है, हेलो वर्ड ऐसा कुछ लिखना है तो क्या करना, देखिए यहाँ पे जेंगो हो गया, जेंगो का कौन सा वर्जन है ये आ गया, जेंगो का डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करोगे तो आप डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाओ, एक छोटा सा ट्यूटोरियल दिया हुआ है यहाँ पे, जेंगो की कम्युनिटी है यहाँ पे, इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सीइंग दिस पेज बिकॉज डिबग इज इक्वल टू ट्रू, सेटिंग फाइल के अंदर डिबग ट्रू है, यू आर सेटिंग फाइल एंड यू हैव नॉट कॉन्फिगर एनी यू आर एल, राइट नाउ हमने कोई कॉन्फिगरेशन नहीं किया, कोई यू आर एल नहीं की है, राइट। यहाँ पे एडमिन लिखोगे तो एडमिन भी आना चाहिए, लेकिन हमारा कोई एडमिन अभी आ रहा है, एडमिन, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली एडमिन पैनल भी है, ये इट इज अ ब्यूटी ऑफ जेंगो, राइट। हमें अपना कोई एडमिन पैनल बनाना नहीं है, राइट, कोई एडमिन पैनल होता नहीं है यहाँ पे, राइट। एडमिन पैनल वो जेंगो खुद प्रोवाइड करता है, राइट। तो ऐसा हमें बनाना है, जैसे सब कोई वेबसाइट बनाते हैं पीएचपी एएसपी में कैसे बनाते, तो वहाँ पे आपको एडमिन पैनल अलग से बनाना है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप इंस्टॉल करोगे तो आपका एडमिन पैनल भी आ जाएगा, राइट। तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने ये रन करके देखा है, राइट। अभी नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम उसको, ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का पूरा फोल्डर है यहाँ पे, जो देखो बैकएंड में ये सब एग्जीक्यूट हो रहा है, जितना भी हम काम करेंगे ये गेट मेथड हमें बता रहा है, ये गेट मेथड है, राइट। गेट गेट और पोस्ट जो मेथड होती है ना, उसके बैकएंड में ये सब रन हो रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं ये प्रोजेक्ट को स्टॉप करूँ तो स्टॉप कैसे कर सकते हैं, राइट। तो ये प्रोजेक्ट को स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस करो, राइट। कंट्रोल सी प्रेस करने से, राइट, आप कहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे मैं कंट्रोल सी में प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, ओके। तो कंट्रोल सी प्रेस करने से हम कहाँ पे आ गए, अभी देखते हैं हमारा सर्वर क्या हो गया, वापस देख लेते हैं, बंद हो गया, राइट। तो सर्वर में से निकल गए हम लोग, तो वापस सर्वर स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा, पाइथन मैनेज, राइट, एंटर करेंगे, राइट, देख लेते हैं सर्वर स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ वापस, ओके, सर्वर स्टार्ट। सर्वर को स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, राइट, कंट्रोल सी, ओके, कंट्रोल सी, ओके। तो आपको आज फर्स्ट वेबसाइट आपको समझ में आ गई है, राइट, कि हमने क्या किया, जेंगो कैसे स्टार्ट किया, राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी, हेलो स्टूडेंट, हैव यू एनी क्वेश्चन, राइट, एनी डाउट्स? नो सर, नो सर। ओके, तो अभी ये जो कोडिंग है, हमने जो काम किया, हम ये जो एनवायरनमेंट है वर्चुअल एनवायरनमेंट, उसको क्या करेंगे, डीएक्टिव करेंगे, डीएक्टिवेट। तो क्या हो गए, हम बाहर निकल गए। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट से कैसे एंटर करना है और कैसे बाहर निकलना है,
आपको पता चल गया एक्टिव कैसे किया और डीएक्टिव। अभी हम क्या करेंगे, ये जो पाथ है ये अभी इतना हमें समझ में आ गया कि हम कमांड प्रॉम्प्ट से इस तरह से डेंगो रन कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ऐसा जानना है कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है, विजुअल कोड आपको सबको मालूम है, आपके सबके अंदर होना चाहिए विजुअल कोड, ये सब ये तो मालूम है ना विजुअल कोड। हेलो स्टूडेंट, विजुअल कोड में कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे चालू करते हैं अपना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, विजुअल कोड में कैसे ला सकते हैं, तो सबको विजुअल कोड में ही काम करना है या पाइथन में काम करना है, राइट। अभी मैं फोल्डर यहाँ से ओपन करूँ अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर, जैसे अपने हमने वो प्रोजेक्ट बनाया ना अभी एमसीए वाला, तो ये देख रहा हूँ एमसीए, उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ओके, तो मेरा दो वर्क आ गया फोल्डर, ओके ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये सेटिंग फाइल है और ये यूआरएल फाइल है। पहले हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट को अभी टच नहीं करना है, अभी हम कोडिंग से ही टच करेंगे, राइट। और यहाँ पे टर्मिनल है, न्यू टर्मिनल, यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे टर्मिनल आ जाएगा, राइट, देखो राइट। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये क्लिक किया तो हमारा जो कोडिंग है एनवायरनमेंट वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया, राइट, हमें कुछ करना नहीं रहा, ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया। तो मेन काम अभी क्या है, ये तो हमारा एप्लीकेशन रन हो गया, राइट। हम वापस यहाँ पे देख लेते हैं पाइथन इसके अंदर पहले फोल्डर में जाना पड़ेगा, कौन से, माय वेब के अंदर ही मैनेज फाइल है, मैनेज फाइल जहाँ पे होगा वहां से ही हम स्टार्ट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, रन सर्वर एंटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा जेंगो स्टार्ट, राइट, सेम वर्क हम उसमें भी कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। अभी क्या करना है, नेक्स्ट टास्क क्या है, एक एप्लीकेशन, एक ऐप बनाते हैं उसके अंदर, ये मेन रूट जो है माय ऐप को भी उसके अंदर एक ऐप बनाते हैं, जैसे हम ईएमपी एम्प्लॉय का एक ऐप बनाते हैं, राइट। तो ऐप बनाने के लिए नेक्स्ट कमांड कौन सा है आपका, वो देख लीजिए, ऐप कोई भी नई ऐप क्रिएट करना है उसके अंदर तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो एक नई ऐप बनाएंगे, फॉर एग्जांपल ऐप, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऐप कैसे बनेगी, राइट। तो ऐप क्रिएट करते हैं यहाँ पे, राइट, माय वेब के अंदर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट, ऐप का नाम कोई भी दे सकते हैं, जैसे मैं ईएमपी, राइट, एंटर, जैसे हम एंटर करेंगे कमांड सक्सेसफुली तो ऐप ऑटोमेटिकली आ गया, देखो ऐप फोल्डर आ गया यहाँ पे, राइट, दिखाई दे रहा ना, हेलो रानी, यस सर, ओके, ईएमपी में ऐप फोल्डर बन गया, अभी ऐप फोल्डर के अंदर व्यू आ गया, यानी व्यू हमारा क्रिएट हो गया। तो जैसे हम पीपीटी में हमने क्या देखा था, ये ओके, यहाँ पे एक यूजर है, यहाँ पे व्यू में कुछ भी करेंगे तो हमें उसका टेम्पलेट और मॉडल्स के साथ काम करना है। तो हमारी ऐप जो क्रिएट हो गई, जेंगो भी चालू हो गया, अभी यूआरएल चेक करते हैं, यूआरएल बनाते हैं। तो यहाँ पे एक यूआरएल तो है इसके अंदर, यूआरएल, राइट, ये यूआरएल तो है अंदर, यहाँ से एडमिन पे क्लिक किया तो एडमिन तो चालू हो गया हमारा, राइट, एडमिन चालू हो गया। लेकिन ये ईएमपी का जो है, ईएमपी की हमने एक ऐप बनाई, वो ऐप हमें चालू करना है, राइट। तो पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नया फोल्डर बना, न्यू फाइल, फाइल का नाम क्या देंगे, urls.py, राइट, एंटर, जैसे py करेंगे उसका आइकॉन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे हमें url मिल गई, राइट, यहाँ पे भी एक url है, ओके, हम ये url को भी यूज कर सकते, वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, देखो, ओके, यहाँ पे हम पाथ है url pattern is equal to, ये url से हम क्या समझेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, राइट। अभी एक व्यू में जाएंगे, व्यू के अंदर फंक्शन बनाएंगे, मेन काम यहाँ पे से चालू होगा, एक इंडेक्स पेज बनाएंगे, इंडेक्स फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट
रिटर्न, राइट, रिक्वेस्ट, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न एसटीडीपी रिस्पॉन्स, इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे रिस्पॉन्स, राइट, हेलो एमसीए स्टूडेंट, राइट, ओके, उसके अंदर हम एचटीएमएल टैग भी यूज कर सकते हैं, देखो एच वन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, एच वन टैग स्टार्ट किया और एच वन टैग क्लोज, राइट, यहाँ पे एचटीटीपी रिस्पॉन्स, ओके, तो यहाँ से एरर निकल गई, कुछ भी एरर आए तो आपको पहले उसको यहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोजेक्ट आपका रन नहीं होगा, राइट, ये पहला हमारा फंक्शन हुआ, ये फंक्शन को पहले हम कहाँ पे लिंक करेंगे, उसके जो भी ईएमपी का फोल्डर हमने ईएमपी की ऐप बनाई है उसके अंदर जाएंगे, या यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ पाथ नहीं लेंगे, राइट, उसको डायरेक्टली रन होना चाहिए, तो व्यूज व्यूज लिखते हैं फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज, राइट, व्यूज आ गया, ओके, व्यूज न्यू लोकल से, हेलो हेलो काची बोलो ना कहीं क्वेश्चन, ओके हेलो, यहाँ पे इंडेक्स भी देखो हमने जो फंक्शन बनाया वो यहाँ पे आ गया, ओके, नेम वेरी इंपॉर्टेंट है, वो जो भी आप फंक्शन का नाम दे रहे हो वो यहाँ पे इंडेक्स सेम टू सेम लिख दो, या अभी बाद में आप चेंज कर सकते हो, राइट, यहाँ पे कोमा कंपलसरी है, कोमा नहीं लिखोगे तो एरर आएगा, कंट्रोल एस, राइट, उसके बाद मैंने क्या किया, कंट्रोल एस, अभी ये जो है ये ईएमपी की यूआरएल बनी है, ईएमपी की यूआरएल, लेकिन ये यूआरएल को हमें मेन यूआरएल से के साथ कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे भी पाथ बनाओ, यहाँ पे लिख दो आपका कुछ भी, अभी लिख दो अभी इंक्लूड इंक्लूड ईएमपी ईएमपी डॉट यूआरएलएस, ईएमपी कहाँ से है, ये फोल्डर में से ये यूआरएल हिट होगा, राइट, उसको मैंने इंक्लूड करवा लिया, राइट, अभी इंक्लूड के नीचे एरर आ रही है, राइट, टर्टल लाइन है, तो यहाँ पे इंक्लूड क्लिक, राइट, तो एरर आपकी निकल जाएगी, तो मैंने ऐप को मेन यूआरएल में यूज कर लिया, तो मेरा यूआरएल में जो भी यहाँ पे लिखूंगा वो यहाँ से ये यूआरएल के में अंदर आ गया, राइट, समझे, जैसे यहाँ पे एड यूआरएल, यूआरएल पैटर्न मेरी यहाँ पे एक एड हो गए, यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ ही है, आप समझ समझ के यहाँ से भी काम कर सकते हो, राइट, अभी सेकंड थिंग क्या है, सेटिंग फाइल में जाओ, सेटिंग फाइल के अंदर हमारा जो भी ऐप है, अभी हमने नया ऐप बनाया, उसको पहले यहाँ पे रजिस्टर करो, रजिस्टर करो, सेमी कॉलन, अभी नया कौन सा बनाया, ईएमपी, वो ऐप को यहाँ पे रजिस्टर कर दो, कंट्रोल एस कर दो, तो हमारा जो नई ऐप है वो रजिस्टर हो गई, सेटिंग फाइल के अंदर, इंस्टॉल ऐप के अंदर हमारी रजिस्टर हो गई, राइट, नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, रन करेंगे सर्वर, ओके, सर्वर रन करेंगे, हेलो, यस सर, हेलो, फॉलो द लिंक पे क्लिक करो, देखो एमसीए आ गया ना, हेलो स्टूडेंट, यस सर, रजिस्टर किया, ये जो फाइल है व्यू के अंदर एचटीटीपी रिस्पांस क्लिक किया, यहाँ पे जो भी यहाँ पे टेक्स्ट है हमारी, वो टेक्स्ट कहाँ से, इंडेक्स फंक्शन से हमने किसमें लाए, यूआरएल में, राइट, यूआरएल के अंदर, यूआरएल में आ गए, और यूआरएल मैंने यहाँ पे व्यू जो भी है डॉट डॉट यानी सभी फाइल, राइट, व्यू के अंदर, एक मिनट है, हेलो हेलो, हाँ, मैम आप 15-20 मिनट के बाद फोन कीजिए ना।
यस हेलो, तो व्यू कहाँ से आएगा? ये जो व्यू है डॉट लिखने से क्या होगा, यही यूआरएल की व्यू यहाँ पे हिट हो जाएगी, राइट। यहाँ पे जेंगो डॉट शॉर्टकट इम्पोर्ट रेंडर, रेंडर भी यूज कर सकते हो, रेंडर रेंडर कैसे यूज कर सकते हो वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। एक दूसरा बनाते हैं, इम्पोर्ट इम्पोर्ट सॉरी होम लिखते हैं, होम रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कोलन रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कोमा यहाँ पे एक फाइल। ओके, ये मैं आपको पहले इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ, बाद में ये आपको समझाऊंगा, राइट। यहाँ पे आप देखो कि कुछ स्टाइल देना है, स्टाइल स्टाइल इज इक्वल टू कलर, फॉर एग्जांपल स्टाइल इज इक्वल टू कलर, कलर कोलन कलर कोई भी ले लीजिए, कलर यानी आप क्या दोगे, येलो। ओके येलो कलर के अंदर आप हमारा जो कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, क्लिक करते हैं, कलर इफेक्ट नहीं आया, स्टाइल कोलन येलो, बराबर है ना। हेलो स्टूडेंट, हेलो हेलो, यस सर यस सर, ये कॉन्सेप्ट तो बराबर है ना। यहाँ पे कलर क्या होना चाहिए, येलो होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे पहले फॉर एग्जाम्पल हम कोटेशन का कुछ प्रॉब्लम है तो सॉल्व करते हैं, येलो प्लस रिफ्रेश करते हैं, कुछ आया नहीं, सेमी कॉलन रह गया, अरे वो कॉलन रह गया कहाँ पे, एक मिनट यहाँ से येलो के बाजू में रह गया, एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे बोल रहे हो, ट्राई करते हैं येलो, अभी नहीं हुआ। स्टाइल टैग तो बराबर है, स्टाइल स्पेलिंग इसमें ओके है, येलो रेड ट्राई करते हैं, रेड स्टाइल इज इक्वल टू कोट एचटीटीपी जस्ट अ मिनट माय वेब कैन नॉट बी स्टाइल कोलन डबल कोटेशन लिया है यहाँ पे, राइट। मैं कुछ ऐसा रेड कलर अभी इसको मैं कमेंट करना है तो हैज राइट, इसको मैं यहाँ पे क्लोज करूँ,
ओके कलर आ गया आपका। हेलो हेलो यस सर। देखो कलर जो है सेमी है कलर माय हेलो एमसीए राइट। तो रेड कलर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमें क्या कुछ कलर और भी चेंज कर सकते हैं। मरून मरून कलर ट्राई करते हैं वो होना चाहिए। ओके मरून कलर आ गया। ओके कलर लाइट ग्रीन यहाँ पे कलर लाइट ग्रीन आ गया। ओके तो अभी ये कलर वर्क कर रहा है। अभी कोई एक पैरामीटर लेते हैं कि नाम। तो नाम भी मुझे प्रिंट करना है यहाँ पे कि माय नेम इज राइट। तो यहाँ पे परसेंटेज भी एस लिखेंगे और यहाँ पे परसेंटेज नेम लिखेंगे। ये कॉन्फिगरेशन के लिए यूज होता है राइट। तो हम रन करते हैं जो भी नाम है वो ये नाम यहाँ पे आएगा। और जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में करते हैं ना कंट्रोल एस की जगह पे नाम होना चाहिए इस तरह से राइट। ओके तो माय नेम इज प्रोफेसर रौनक पंचाल राइट। तो ये हमारा कुछ इस तरह से कॉल भी हो रहा है राइट। तो ये इतना इतना आपको करना है अभी राइट। ये अभी स्क्रीन में इतना आप कर सकते हो किसी के लैपटॉप में या किसी के भी तो ये आपको पता चल जाएगा कैसे जेंगो वर्क कर रहा है राइट। कोई आप हमें एनीडेक्स या किसी भी सिस्टम मुझे दे सकते हो तो मैं आपको अभी ही बता सकता हूँ राइट राइट। एनीबडी कैन प्रोवाइड मी आप। हेलो रानी। यस सर। कोई आप सिस्टम मुझे प्रोवाइड करो तो मैं आपको लाइव एनीडेक्स से आपकी सिस्टम एक्सेस करके करके बता। यस सर। किसी के प्रिया का आईडी का कोई लैपटॉप है किसी का? सर मेरा है। मैंने आपको इतना बताया इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक जेंगो में? नो सर। ओके तो अभी थोड़ा आगे जाते हैं राइट। एक फोल्डर हम बनाते हैं राइट। इसके अंदर एक मैं फोल्डर बनाऊं राइट। एक टेम्पलेट हमें कैसे बनाना है? कोई एचटीएमएल फाइल है वो कैसे एक्सेस करना है? तो मैं हमें यहाँ पे एक एचटीएमएल फाइल है उसका नाम ले लेते हैं कोई होम राइट। होम डॉट एचटीएमएल राइट एंटर। तो होम डॉट एचटीएमएल के अंदर हम लिखते हैं एचटीएमएल ओके। यहाँ पे हेड टैग यहाँ पे टाइटल टैग राइट माय फर्स्ट जेंगो एप वेब राइट जेंगो वेब एप ये मुझे कॉल करना है राइट। यहाँ पे आप बॉडी बनाओ राइट। इसके अंदर H1 हेलो MCA हेलो VDC MCA राइट VDC MCA ओके। ये मुझे कॉल करना है। वो कैसे करेंगे? तो पहले क्या करना है आपको सेटिंग फाइल में जाना है। कौन सी सेटिंग फाइल में? हेलो समझ में आ रहा है ना? हेलो यस सर। हाँ देखो पहले हमें क्या करना है फोल्डर ये डायरेक्टली नहीं चलेगा। डायरेक्टली हमें HTML फाइल बनाए लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टेम्पलेट्स स्पेलिंग यही होनी चाहिए टेम्पलेट्स राइट। ये इसके अंदर कोई अलग से वो नहीं होना चाहिए स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो हम जेंगो के ट्यूटोरियल में जाएंगे। जेंगो के ट्यूटोरियल में यहाँ पे टेम्पलेट लिखा है टेम्पलेट। तो इसके लिए स्पेलिंग कौन सी है? टेम्पलेट्स। देखो यहाँ पे जो स्पेलिंग है वही टेम्पलेट आपको वही स्पेलिंग आपको यूज करनी पड़ेगी राइट टेम्पलेट। अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। टेम्पलेट ही आपको यूज करना रहेगा यहाँ पे। तो टेम्पलेट ओके ये टेम्पलेट फोल्डर बन गया आपका राइट। उसके अंदर आपकी कौन सी फाइल होनी चाहिए? मोड राइट। टेम्पलेट के अंदर ही सब एचटीएमएल फाइल होनी चाहिए राइट। तो टेम्पलेट के अंदर एचटीएमएल फाइल है। अभी ये एचटीएमएल फाइल को कैसे यूज करेंगे देखते हैं हम। पहले व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? होम डॉट एचटीएमएल राइट होम डॉट एचटीएमएल कंट्रोल एस। अभी होम डॉट एचटीएमएल जब भी बना कोई भी आप फाइल बनाते हो कुछ भी काम करते हो तो यहाँ पे पाथ दे दो
बाद, राइट, साथ देने के बाद आपको यहाँ पे होम लिखोगे, होम सिंगल कोट में होम स्लैश व्यू डॉट होम, आपका फंक्शन का नाम आ गया, नेम इज इक्वल टू होम, ओके सेमी कॉलन, राइट। जो प्रैक्टिस होगी तो आपको कुछ किसी जगह पे देखना नहीं पड़ेगा, राइट ओके। यहाँ पे अभी उसको रन करो, होम पे आप रन करोगे, स्लैश पे करोगे तो ये दिखाई देना चाहिए, और होम पे करोगे तो होम, राइट, तो ये एरर आ गया, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। समझ में आ रहा है ना, हेलो स्टूडेंट? यस सर, हाँ, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, यस सर, आपको टेम्पलेट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है, राइट। तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, टेम्पलेट को एग्जिस्ट करो, यानी टेम्पलेट को माय वेब के अंदर जाओ, सेटिंग के अंदर जाओ, यहाँ पे ये फाइल के अंदर, मेन फाइल है ये, वेरी इंपॉर्टेंट फाइल, इसके अंदर डायरेक्टरी में चले जाओ, यहाँ पे लिखो ओएस डॉट, आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप एक काम कीजिए, टेम्पलेट, ये जो एरर आती है ना, फॉर एग्जांपल आपको कुछ ऐसे ही एरर आए तो कॉपी करो, एरर को कैसे प्रेस करना है, स्टैक ओवरफ्लो पे चले जाना है आपको, जो भी पहला जो स्टैक ओवरफ्लो का यहाँ पे आ ही जाएगा, राइट। यहाँ पे चले जाओगे, स्टैक ओवरफ्लो में क्या बोल रहा है कि टेम्पलेट यहाँ से लेना है, राइट, डी ड्राइव का ये टेम्पलेट, राइट ओके। इससे भी ओके, ये कॉपी कर लो, राइट, ये कॉपी कर लो, बेस्ट आइडिया है, ये पाथ कॉपी करने से अच्छा है ये कॉपी कर लो, ओएस डॉट पाथ टू अवॉइड द कंफ्यूजन एड, राइट। मैं आपको एरर कैसे सॉल्व करना है, आपको आएगी 101%, आपको फर्स्ट टाइम जो भी कोडिंग करोगे तो ये एरर आनी ही है, एरर नहीं आएगी तो कोडिंग एरर से सीखोगे आप, राइट। तो मेरा ये काम हो गया, ओएस, ओएस के अंदर नीचे अंडरलाइन है, तो ये जो फाइल है उसके अंदर एक कंपोनेंट लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दो, इंपोर्ट ओएस, ओके। ओएस इंस्टॉल करने के बाद मेरा वर्क क्या हुआ, यहाँ से एरर निकल गई, देखो एरर के अंदर ओएस, ओएस डॉट पाथ, पाथ के अंदर ज्वाइन किया मैंने, बेस डायरेक्टरी कोई भी होगा, बेस डायरेक्टरी, उसके अंदर टेम्पलेट्स, राइट, मैंने कौन सा कीवर्ड है, टेम्पलेट स्पेलिंग में कोई भी प्रॉब्लम होगा तब भी आपकी टेम्पलेट नॉट एग्जिस्ट एरर आएगी, राइट। तो आपको यहाँ पे टेम्पलेट इस तरह से यूज करना रहेगा, ओके। अभी मैं सेम वहाँ पे जाऊँ अपने प्रोग्राम में, क्लिक करो, देखो एरर सॉल्व होनी चाहिए, अभी रन करते हैं तो क्या हुआ, टेम्पलेट डॉट एच टी एम एल, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो कोडिंग में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है अभी भी, राइट, ओ एस डॉट टेम्पलेट, टेम्पलेट्स की स्पेलिंग बराबर है, टी ई एम पी एल ए टी ई एस, टेम्पलेट्स, राइट, टेम्पलेट्स के अंदर कौन सा है, होम डॉट एच टी एम एल। अभी हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे, राइट, व्यू के अंदर, रेंडर डिफाइन, रेंडर रिक्वेस्ट, ओके, होम डॉट एच टी एम एल, ओके। तो यहाँ पे हमारा होम डॉट यू आर एल के अंदर चले जाओ, होम ये है, होम स्लैश, ओके सर, कैपिटल सी नहीं रहेगा, कहाँ पे, नहीं 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 कैपिटल नहीं चलेगा, अभी देखो यहाँ पे एरर आ रही है, रेंडर, राइट, रेंडर लाइन नंबर 19 पे लोडर टेम्पलेट, राइट, और टेम्पलेट अभी भी टेम्पलेट उसको मिल नहीं रहा, राइट, वो बोल रहे हैं कि टेम्पलेट अभी भी मुझे मिल नहीं रहा, राइट। तो यहाँ पे होम, राइट, रिटर्न, बट सुनो, या ओके सर, माय वेब में यूआरएल में करूँ पड़ता है, શું બોલો, તમારી મેડમ મને કેવો એરર, ચલો રાઈટ, તમે આન્સર, જે ફાઇલ ઇમ્પોર્ટ થઈ ની તે મેઇન માય વેબ માં યુઆરએલ માં ઇમ્પોર્ટ કરવી પડે કે ચાલશે,
माई वेब मा एक काम करिए आ बद्दो आपनो माई वेब मा छे देखाय छे राइट माई वेब नी अंदर अच्छे बद्दो ओके माई वेब मा छे आ बद्दो राइट होम राइट आ आपने जोइए छे हवे आपने रेंडर करावू छे ईएमपी राइट ईएमपी नी अंदर यूआरएल यूआरएल नी अंदर होम राइट व्यू ओके व्यू रिक्वेस्ट राइट तो अच्छा आपा ट्यूटोरियल मा जोवानो ટ્યુટોરિયલ માં તમને નહીં સમજ પડે ટ્યુટોરિયલ જ ચેક કરો ટ્યુટોરિયલ થી જ વધારે શીખાશે તમારે રાઈટ ઓકે તો તમે આ ટ્યુટોરિયલ તમારું બનાવ્યું કે આપણી લિસ્ટ અહીં આવી ગયું રેન્ડર રેન્ડર માં આપણો આ પ્રોબ્લેમ નું સોલ્યુશન છે ઓકે આપણો આટલું કમ્પ્લીટ જ છે ઓકે તો ટ્યુટોરિયલ માં આવું કહેવા માંગે છે કે આપો હોમ જે છે એની અંદર રિક્વેસ્ટ છે રિક્વેસ્ટ ની અંદર રેન્ડર રિક્વેસ્ટ સિંગલ કોટ માં તમારો નામ છે રાઈટ ઓકે URL URL ની અંદર જઈએ ટ્રાય કરીએ ફરીથી નેક્સ્ટ ટેમ્પલેટ ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ હોમ અભી ભી મિલ નહીં રહા राइट होम अभी भी मिल नहीं रहा हेलो स्टूडेंट समझाई छे हेलो हेलो यस सर हेलो यस सर ओके ओके राइट तो देव होम रिटर्न रेंडर राइट આ ઇન્ડેન્ટેશન ને બધું તો ખબર ને આમ ટેબ મારે તો ઇન્ડેન્ટેશન જ હોવું જોઈએ અહીંયા બે સ્પેસ હોવી જ જોઈએ રાઈટ રિક્વેસ્ટ હોમ હોમ ડોટ html રાઈટ તો અહીંયા પે હમ ચલે જાયેંગે વાપસ હોમ રાઈટ યે ભી કરેક્ટ હૈ યહાં પે ભી કરેક્ટ હૈ રાઈટ અભી હમ URL ભી ઓકે હૈ હોમ લિખા હૈ રાઈટ યહાં પે હોમ સ્લેશ હૈ जो मैं रिक्वेस्ट होम डॉट एस टी एम एल और कोडिंग में क्या है टेम्पलेट यहाँ पे है राइट टेम्पलेट होम तो एस टी एम एल स्पेलिंग बराबर है यहाँ पे भी देख लेते हैं एस टी एम एल ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है और वेब में तो यू आर एल है ही उसकी ई एम पी की ओके तो हम लिखेंगे तो आ जानी चाहिए राइट टेम्पलेट्स अभी मेन काम है टेम्पलेट कॉल करना राइट तो यहाँ से टेम्पलेट रेंडर ये तो ओके है यूआरएल के अंदर यहाँ पर होम डॉट एचटीएमएल लिखा है तो वो टेम्पलेट के अंदर की बात ही लिखना पड़ेगा क्या ये बात हाँ टेम्पलेट स्लैश होम डॉट एचटीएमएल होम स्लैश का टेम्पलेट्स ऐसा नहीं ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा राइट अभी ये तो डायरेक्ट कॉल होना चाहिए टेम्पलेट्स नहीं लिखना होता है राइट क्योंकि वहाँ पे टेम्पलेट देते हैं ना ये ऐसे लिखेंगे तो देखो ये तो हो जाएगी देखो हम समझ में है ना सेम एरर है टेम्पलेट्स अभी हमारी सेटिंग फाइल में जाएंगे डायरेक्टली टेम्पलेट्स राइट यहाँ पे भी यूआरएल भी कंप्लीट है यहाँ पे टेम्पलेट ये नहीं लिखना है हम इसके अंदर कुछ लिखेंगे तो तभी यहाँ पे बाइफर्केट कर सकते हैं राइट अभी ये रन तो हो गया होम होम टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट अभी भी टेम्पलेट इसको मिल नहीं रहा राइट टेम्पलेट क्यों नहीं मिल रहा टेम्पलेट्स के अंदर ज्वाइन दिया है ओके ये सब कंप्लीट है सेटिंग्स.py सेव नहीं है
अच्छा इसीलिए, राइट राइट, थैंक यू। ये सेव नहीं है क्योंकि ये मैं पाइचम में यूज कर रहा हूँ ना, तो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम है। यस थैंक यू, ये सेव नहीं है तभी नहीं हो रहा है। ये मेरा मेजर काम है पाइचम में, अभी रन हो जाएगा अगेन। राइट, तो हेलो VTC MCA, थैंक यू रानी, VTC MCA, तो ये आपका हेलो रन होगा। ये कहाँ से आया? आपका HTML पेज में से, राइट ओके। HTML पेज आपका जो भी है, अभी ये यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल कोई लॉगिन बना सकते हो, या यहाँ पे इनपुट टाइप बटन वैल्यू में, ओके आ गया। अभी आपका कोई भी कंट्रोल यहाँ से वर्क हो सकता है, राइट। अभी आपका HTML जेंगो में आ गया है, इसका मतलब कि आप कोई भी काम यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो, या कोई भी लेटेस्ट आप जैसे स्क्रिप्ट टैग यूज कर सकते हो, स्क्रिप्ट बराबर, स्क्रिप्ट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई W3 लॉगिन फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो। ये आपका लॉगिन फॉर्म है कुछ, फॉर एग्जाम्पल हम कोई लॉगिन बनाते हैं यहाँ पे, राइट इस टाइप का लॉगिन होना चाहिए। क्लिक करते हैं, राइट कोडिंग, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, राइट यहाँ पे मैं कंट्रोल ए और कंट्रोल सी, राइट कॉपी पेस्ट कर दिया पूरा कोडिंग, कोडिंग कॉपी तो किया है लेकिन उसकी सब फाइल भी उसके अंदर आ गई, राइट। तो रन करते हैं। हेलो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? यस हाँ, यहाँ पे क्लिक करें, देखिए क्लिक करते हैं, जेंगो के अंदर आपका कोडिंग आ गया, देखो सब कोडिंग जेंगो के अंदर आ गया, राइट समझे? राइट, ये सब सेटिंग हो सर, हाँ यहाँ यस से। सर, हाँ तो आप जेंगो में ये आपका पूरा कोडिंग, जितना HTML आपको जावास्क्रिप्ट CSS jQuery राइट और मीडिया क्वेरी जितनी अच्छी तरह से आएंगी आपको समझ में आता है उतना आप जेंगो में अच्छा काम कर सकते हो। इतना आपको मैंने आज बताया। और आप इनिशियली क्या करोगे, जेंगो की एक वेबसाइट बनाओ, राइट जैसे इस तरह से एक वेबसाइट बनाओ, उसके अंदर लॉगिन क्रिएट करो, राइट। फॉर एग्जांपल VTC MCA, राइट आपकी एक वेबसाइट है जैसे विद्या भारती, कौन सी है URL? हेलो VBT बीबीटी MCA, राइट। तो आप ऐसा चालू कर दो, प्रोग्राम करना चालू कर दो, पहले मुझे इस तरह से आप बताओ, ओके इस तरह से बताओ आप, राइट ओके। ये आपका जो भी कोड प्रोग्रामिंग है वो इस तरह से आप बताते जाओ। पहले ये हेडर होनी चाहिए, इमेज होना चाहिए, राइट। अभी देखो दूसरा मुझे कुछ क्रिएट करना है, वो आपको मैं बता देता हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल के अंदर मैं कोई फोल्डर लेता हूँ, न्यू फोल्डर के यूजर, एडमिन, फॉर एग्जांपल एडमिन, यहाँ पे एडमिन नहीं लिखेंगे, रीनेम एडमिन पैनल नहीं, हम दूसरा लेंगे, यूजर यूजर साइड, राइट। फॉर एग्जांपल स्टाफ लिखते हैं, स्टाफ स्टाफ लॉगिन, ओके स्टाफ, राइट। तो स्टाफ के अंदर एक आपको फाइल होनी चाहिए, कौन सी? लॉगिन, स्टाफ लॉगिन, स्टाफ अंडरस्कोर लॉगिन .html, राइट ओके। तो मुझे ये फाइल कॉल करना है,
यहाँ पे ये होनी चाहिए, यहाँ पे ये स्टाफ वाला होना चाहिए। तो व्यू में चले जाओ वापिस, यहाँ पे क्लिक करो, दिया है स्टाफ लॉगिन रिक्वेस्ट, स्टाफ अंडरस्कोर लॉगिन ना અહીંયા હું ફંક્શન બનાવીશ, મારું જે પણ ફંક્શન બનાવીશ એ યુઝર ડિફાઇન હશે, રાઈટ? રિટર્ન વેન્ડર રિક્વેસ્ટ કોમા, યહાં પે ક્યા હોગા સ્ટાફ, ફોલ્ડર કોન સા સ્ટાફ, ઓર ઉસકે અંદર ક્યા હૈ સ્ટાફ અંડરસ્કોર લોગિન ડોટ। आपको सिस्टम समझना पड़ेगा, राइट? अभी देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और भी एडवांस थोड़ा बताता हूँ, राइट? तो ये कैसे कॉल होना है, तो जैसे हम ये बनाते हैं तो पहले उसको वेंडर यहाँ पे कर लो पाथ स्टाफ स्टाफ राइट यू डॉट आप लॉगिन कॉमन नेम स्टाफ, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे स्टाफ लॉगिन कॉमा, राइट? कंट्रोल एस, राइट? अभी सेव कर हम यहाँ पे रन कर रहे हैं। ओके हमारे ये आ गए, यहाँ पे क्लिक करते हो तो स्टाफ में चले जाना चाहिए स्टाफ। ओके स्टाफ लॉगिन पे आ गए, यहाँ पे क्लिक करते हो तो हमारा फर्स्ट पेज रन हो रहा है, इंडेक्स पेज, राइट? कोई भी वेबसाइट चालू होगी तो आपकी इंडेक्स पेज से नेविगेट होगा, राइट? होम, यहाँ पे होम पे चले जाओ, होम हो सकता है यहाँ पे, यहाँ पे स्टाफ, राइट? यहाँ पे कोई एचटीएमएल या कुछ पेज नहीं है, राइट? मेन एडवांटेज कोई एक्सटेंशन नहीं है, समझ में आ रहा है ना? ये इसको मालूम है उस तरह से वर्क हो रहा है, राइट स्टूडेंट? ओके यस सर, आज के दिन के लिए इतना चलेगा। ओके यस सर, आप ट्राई करो, जिसको भी प्रॉब्लम आए उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट में, राइट? अभी एक एडवांटेज और एक है आपको ये बता देता हूँ, राइट? ये जो ऑटोमेटिक एडमिन पैनल आ गई है यहाँ पे, एडमिन पैनल, राइट? ये एडमिन पैनल, एडमिन पैनल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे टर्मिनल पे चाहिए, टर्मिनल पे सुपर यूजर क्रिएट करना पड़ेगा तभी हम लॉग इन कर सकते हैं। मैं क्या करूं, पहले माइग्रेशन करना है बाद में सुपर यूजर क्रिएट करना है, राइट? पहले मैं सुपर यूजर क्रिएट करूं बाद में मैं माइग्रेशन करूं, राइट? पाइथन सुपर यूजर, राइट? ये सुपर यूजर क्यों नहीं क्रिएट हुआ, माइग्रेशन नहीं है इसीलिए, राइट? तो अभी माइग्रेशन करते हैं, माइग्रेशन से क्या होगा ऑटोमेटिकली कई टेबल आ जाएंगे डेटाबेस में, राइट? अभी यहाँ पे ओके मेक माइग्रेशन, तो ऑटोमेटिकली आ गए, राइट? हमने ये कमांड रन किया, राइट? माइग्रेशन, मेक माइग्रेशन, पहला कमांड है मेक माइग्रेशन, ओके मेक माइग्रेशन, उसके ऊपर का कमांड है माइग्रेशन, आपका माइग्रेशन ऑलरेडी डन हो गया। अप्लाई ऑल माइग्रेशन एडमिन ऑथेंटिकेशन कंटेंट टाइप एंड सेशन आर टेबल ऑटोमेटिकली SQLite में क्रिएट हो गए, राइट? अभी क्या करेंगे, क्रिएट यूजर करेंगे, तो अभी क्रिएट यूजर क्रिएट करने को बोला रौनक, राइट? मैंने यूजर का नाम क्या है रौनक, रौनक @gmail.com, राइट? एंटर, पासवर्ड है रौनक @123, एंटर, रौनक @123, एंटर। ओके यस, पासवर्ड थोड़ा वो है, बाईपास द पासवर्ड वैलिडेशन एंड यूजर एनीवे, यस ओके। सुपर यूजर क्रिएटेड, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी सुपर यूजर क्रिएट हो गया तो रन करते हैं। ओके सर्वर स्टॉप है तो सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा, पहले सर्वर को स्टार्ट करते हैं, राइट? सर्वर स्टार्ट हो गया, राइट? यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ तो ये हो जाएगा रौनक, पासवर्ड है रौनक @123, लॉग इन करते हैं। ओके ये एडमिन पैनल है, देखो पूरा एडमिन पैनल आपका, चेंज पासवर्ड कुछ क्रिएट नहीं करना है, राइट?
मैं पासवर्ड भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, कोई ग्रुप को कोई रूल्स राइट ऐड ग्रुप करूँ, कोई भी ग्रुप में यहाँ से रोल दे सकता हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना है राइट। अभी हम कोई नया टेबल बनाएंगे ना तो इसके नीचे टेबल आना चाहिए। नेक्स्ट में हम एडमिन पैनल पे थोड़ा वर्क करेंगे, एक यूजर का एम्प्लॉय का टेबल बनाएंगे, वो यहाँ पे आना चाहिए मॉडल का यूज करके। आप इतना कॉल करके बताओ मुझे, इतना ही आप हमें जितना मैंने बताया ना उतना कॉल करो। यहाँ पे लिखते हैं स्टाफ, स्टाफ आना चाहिए। यहाँ पे लिखते हैं हम होम, लिखते हैं तो होम आना चाहिए। यहाँ पे क्लिक कर ये आना चाहिए राइट। और एडमिन लिख रहे तो हम एडमिन में लॉग इन है तो एडमिन लिखना चाहिए राइट। रानी हेलो स्टूडेंट, यस सर, ओके तो ये okay, इतना राइट ओके। स्टॉप रिकॉर्डिंग अभी तक जो भी